आपने हमारा एक वीडियो देखा कि जिसमें मैंने कहा कि तो भाजपा के साथ पापों को आप जानिए समझिए, और आपने समझा भी और लाइक किया उसे। अब इस वीडियो में हम आपको समझाने बताने जा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, जो सबसे अधिक दिनों की पार्टी है, उसका जो हुआ था जन्म वह पाप से ही हुआ था। हाँ दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा कि कांग्रेस का जन्म ही हुआ है षड्यंत्र से, उसका जन्म ही हुआ है पाप से, उसका जन्म ही हुआ है राष्ट्रद्रोह की भावना से, उसका जन्म ही हुआ है भारत को विकसित न होने देने के उद्देश्य से। आश्चर्य हो रहा है? तो आज मैं इसे साबित करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपना विचार जरूर लिखकर भेजेंगे। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो शब्द है कांग्रेस, इसका अर्थ क्या होता है, इस पर आपने शायद विचार किया कभी? ये जो शब्द है कांग्रेस, ये लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है साथ आना, और अंग्रेजी में इसका होता है अर्थ मीटिंग, बैठा। यानी कि भाव है किसी महान उद्देश्य के लिए विचार विमर्श करने वाली जो होती है सभा, मीटिंग, बैठक, उसका नाम होता है कांग्रेस। ठीक है, तो अब यहां उठता है ये सवाल कि भाई कांग्रेस ये शब्द लैटिन भाषा का है और अंग्रेजी में इसका शब्दार्थ समझाया बताया जाता है, तो ये लैटिन अंग्रेजी भाषा के शब्द को क्यों लिया गया? क्या भारतीय भाषा में शब्दों की थी कमी? संस्कृत, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द क्या नहीं थे? इस तरह के शब्द थे ना, क्योंकि भारतीय भाषाएं बहुत ही धनी भाषा है। संस्कृत हमारी सबसे धनी भाषा है, लेकिन इसके शब्दों को लिया नहीं गया। जो चीज हमारे घर में हो अधिक मात्रा में, उसका उपयोग ना करके और वैसी चीजों को बाहर से लाना, आयात करना, ये किस सोच को दर्शाता है, इस पर विचार कीजिएगा। तो ये जो है, ये जो सोच विदेशी सोच, आयातित सोच को दर्शा रहा है ये शब्द कांग्रेस। तो ये है पहला पाप, और इसके आगे मैं इससे संबंधित तीन और पापों को समझाने बताने जा रहा हूं। आप लोग लास्ट तक रहिए बने हुए। तो जो दूसरा है पाप, वो क्या है मित्रों? दूसरा पाप, अब देखिए ना, इसके संस्थापक थे कौन, आपको पता है? ए ओ ह्यूम, यानी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ये एक अंग्रेज सिविल सेवा के ऑफिसर थे। यहां पर उनको शासन के लिए भेजा गया था भारत पर, कि अच्छी तरह से शासन व्यवस्था हो कैसे, ये लंबे समय तक चले कैसे, इस पर काम करो। तो जब ह्यूम को ये दायित्व दिया गया, तो ह्यूम ने समझाया अंग्रेजी सरकार को कि साहब 1857 में एक महान विद्रोह हो चुका है, हमने किसी तरह उसे दबा तो दिया है, लेकिन वो अभी भी अंदर अंदर सुलग रहा है, जाने कब फिर महाविस्फोट हो जाए, पूरे देश में दूसरी क्रांति की संभावना है। तब उपाय स्वरूप कि भाई भारतीयों को समझाने बुझाने के लिए कि सशस्त्र विद्रोह भारतीय न करे, वह खूनी क्रांति न करे, वह जंग न करे अंग्रेजी सरकार के साथ, इसके लिए एक संस्था बनाओ और भारतीयों को समझाओ कि भाई ये जो अंग्रेज सरकार है इसका सूर्यास्त नहीं होता,
ये सरकार समूचे विश्व पर राज कर रही है, लगभग आधी जो है दुनिया पर उसका राज था तब, तो आधी दुनिया पर ये राज कर रही है सरकार, तो इसका सूर्यास्त नहीं होता, यानी इसके राज्य में कहीं ना कहीं दिन हमेशा रहता है। तो ऐसी सरकार से भारतीय जंग न करें, और क्रांति की बात, युद्ध की बात, आंदोलन की बात न सोचें, इससे भारतीयों को बहुत ही होगा, खतरा होगा। तो फिर भारतीय क्या करें? भारतीय याचना करें, भारतीय विद्रोह की बात को हटा दें मन से और याचना करें। हाँ, याचना अगर अंग्रेज सरकार से भारतीय करेंगे तो फिर अंग्रेज सरकार याचना में भीख में दे ही देगी ना कुछ न कुछ। और भारतीयों को ये छूट है कि आजादी को छोड़कर वो किसी भी बात की मांग कर सकते हैं। इस तरह से भारतीय जनमानस को भीरु बनाना, या कहें कि डरपोक और कायर बनाना, उद्देश्य रहा इसकी स्थापना का। इसकी स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 में, एक अधिवेशन सम्मेलन हुआ था महाराष्ट्र में, और सम्मेलन हुआ वो एक संस्कृत विद्यालय में और बंबई में हुआ था वो, जिसमें कि 72 लोग इकट्ठे हुए थे, और एओ ह्यूम ने एक भारतीय को ही इसका अध्यक्ष उस समय बनाया था, लेकिन उसकी ही हमेशा चलती थी शुरू में, ये तो बहुत सालों तक अंग्रेजों की ही बात इस पार्टी में, इस संस्था में, कांग्रेस नाम की जो संस्था बनी थी इसमें अंग्रेजों की ही चलती थी। हाँ, ऊपर से दिखावे हेतु भारतीयों को रखा गया था, लेकिन धीरे 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 आगे चल कर के फिर भारतीयों के हाथ में सब कुछ आ गया था। लेकिन एक बार जो चल पड़ता है ना पैटर्न किसी संस्था का, वो कायम रहता है। तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत को आजाद कराना नहीं था, नहीं हो सकता है, इसलिए कि साहब अंग्रेज ऑफिसर क्या आजाद कराने के लिए कोई संस्था बनाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? जो तो शासक है वो शासक वर्ग का कोई आदमी शासन मिटाने हटाने के लिए संगठन बनाए, ये तो हास्यास्पद बात है। ओ दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत को आजादी दिलाना नहीं था, भारतीयों को भीरु बनाना, डरपोक बनाना और याचना के लिए तैयार करना था, भारतीयों को लाठी और बंदूक उठाने से रोकना था। अब जो तीसरा है इससे संबंधित, उसे पाप ही कहें, तीसरा पाप वो ये कि आप देखिए ना, गांधी जी का जब राष्ट्रीय उदय हुआ, यानी 1920 से 1947 तक, लगभग 27-30 साल तक गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति में छाए रहे, जब तक रहे गांधी, इन्होंने क्या किया? भारतीय हिंदुओं को हमेशा डरा के रखा, किसे? इस्लाम वालों से, कि भाई जो है तुम सेकेंड क्लास नागरिक बने रहो, तुम दबे रहो, दबके रहो, अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़ा होता था, चाहे जब भी हुआ है, तो गांधी जी ने हर बार हिंदुओं को ही डांटा फटकारा है, और उन्होंने
दूसरे पक्ष को उकसाया है, साथ दिया है, ये इतिहास गवाह है। और इसी नीति का हुआ परिणाम कि भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन के समय लगभग 20 लाख लोग जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान पर मारे गए, 20 लाख हिंदू, इसलिए कि हिंदू युद्ध की तैयारी में नहीं थे और नहीं आज भी हैं। हिंदू तो युद्ध, संघर्ष, मारपीट से दूर रहने वाले लोग होते हैं। हाँ, ये हाथ में तलवार लेते हैं अंतिम समय में जब कोई विकल्प नहीं होता है तब, लेकिन दूसरा पक्ष वो तो हमेशा ही हलाल करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि जन्म से ही वैसा ही संस्कार दिया जाता है। और जो चौथा है पाप, चौथा बड़ा पाप जो है आज के संदर्भ में कांग्रेस का पाप, ये है कि भारत जब धर्म निरपेक्ष देश है, और ये धर्म निरपेक्ष भी तो चोरी से ही कहें 1976 में आपातकाल के समय में कांग्रेस ने जोड़ा, इंदिरा जी ने जोड़ा, जब संविधान बना था ना उस समय भारत को धर्म निरपेक्ष देश घोषित नहीं किया गया था। तो ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में 76 में जोड़ा गया। तो भाई, अल्पसंख्यकवाद और धर्म निरपेक्षता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर धर्म के आधार पर सभी समान हैं, तो फिर अल्पसंख्यक के नाम पर विशेष सुविधा आरक्षण क्यों? क्योंकि सबको तो बराबर का ही अवसर है ही प्राप्त। और अगर आरक्षण दे रहे हैं, जरूरी लगता है, तो फिर धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। दो में से एक ही नीति चल सकती है, यही तार्किक है। लेकिन कांग्रेस दोनों चलाना चाहती है, और उसने उसे वोट बैंक रखा है बनाकर, और इस आधार पर भारत को कमजोर कांग्रेस बना रही है। तो ये कांग्रेस के पाप हैं, इसका जन्म ही हुआ है पाप से, वैसे ही सोच से। और ये तब तक रहेगा जब तक कांग्रेस का अस्तित्व है। इसलिए मित्रों, यदि देश को बचाना है तो ये जो है कांग्रेस पार्टी, ये देश पर एक कलंक है, एक धब्बा है, इसे मिटाओ। धन्यवाद।